दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक कार रोल्स रॉयस, जिसे खरीदने के लिए लाखों की नहीं करोड़ों की जरूरत पड़ती है। सबको पहली नजर में ही दीवाना बना देने वाली इस कार के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस कार की इतना महंगा होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, इसी तरह से और अमेजिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल जीपी नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज आप मिस ना कर सके। रोल्स रॉयस कंपनी की स्थापना 1904 में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने मिलकर की थी, और कंपनी का नाम इन्हीं दोनों के सरनेम से लिया गया है। रोल्स रॉयस कंपनी ने अपनी पहली कार 1905 में लॉन्च की थी, जिसका नाम 10 HP था। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि रोल्स रॉयस कंपनी अपनी कारों को पूरी तरह से हाथों से बनाती है, यहाँ तक कि गाड़ी के इंजन को भी हाथों से बनाया जाता है। जबकि आज के समय में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हर गाड़ी को बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करती है, जिससे कम समय में ज्यादा गाड़ियाँ बनाई जा सके। रोल्स रॉयस कार को ऑर्डर देने पर ही बनाया जाता है, क्योंकि कंपनी एक भी कार का स्टॉक अपने पास नहीं रखती है। रोल्स रॉयस की कीमत 4 करोड़ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कार में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, जिसका कई बार परीक्षण किया जाता है। इस कार में किए जाने वाले पेंट का वजन लगभग 45 किलोग्राम होता है, जिसे 5 लेयर में पेंट किया जाता है। आप दुनिया में जितनी भी रोल्स रॉयस कारें देखते हैं, उन सभी पर कोच लाइन की पेंटिंग केवल एक आदमी करता है। मार्क कोर्ट ही दुनिया के अकेले ऐसे शख्स है जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है। आपको शायद यह बात जानकर हैरानी होगी कि उन्हें हाथों से पेंटिंग का काम करना पड़ता है। मार्क कोर्ट का काम इतना बारीक है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। रोल्स रॉयस के पास 44,000 से भी ज्यादा कलर ऑप्शंस मौजूद है। कार के बोनट में लगे स्टैचू को द स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहा जाता है। यह एक महिला के रूप में है जो आगे की ओर झुकी हुई है, और उसकी बाहें उसके पीछे और ऊपर फैली हुई है। कार स्टार्ट होने पर ही हुड से यह बाहर आता है, और कार बंद हो जाने पर यह फिर से वापस चला जाता है। 1998 में BMW ने रोल्स रॉयस को खरीद लिया। तब से ही BMW के पास रोल्स रॉयस के सारे राइट्स है। जहां रोल्स रॉयस कार खरीदने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी एक बार सोचना पड़ता है, वही ताइवान में रहने वाले 12 साल के एक बच्चे ने रोल्स रॉयस फैंटम कार खरीदी थी, जिसकी कीमत लगभग 11.5 करोड़ थी। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि रोल्स रॉयस कार में लगी एसी कूलिंग की क्षमता 30 रेफ्रिजरेटर के बराबर होती है। रोल्स रॉयस कार पूरी तरह से साउंड प्रूफ होती है, जिसके अंदर बैठकर आप घड़ी की टिक टिक आवाज भी सुन सकते हैं। रोल्स रॉयस कंपनी में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी काम के दौरान किसी भी प्रकार के मेकअप या किसी भी प्रकार के परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रोल्स रॉयस कार को 100 की स्पीड तक पहुंचने में सिर्फ 5.9 सेकंड का समय लगता है। इस कार के महंगे होने की सबसे बड़ी वजह है कस्टमाइजेशन। इसका मतलब यह है कि कस्टमर्स अपनी पसंद के अनुसार कार के कलर, पेंट, टायर, डैशबोर्ड आदि में बदलाव कर सकते हैं। कंपनी अपने कस्टमर्स को कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर में बदलाव कराने की सर्विस देती है। कस्टमाइजेशन सर्विस काफी दिलचस्प है, इसे आप अपनी कार को जितना चाहे उतना महंगा कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और रोल्स रॉयस कार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी आने वाली वीडियोस देखकर अपना नॉलेज बढ़ाइए।